की कुछ ज़्यादा ही अच्छी होगी और हम में से कई लोगों की रीच में भी ये फ़ोन नहीं होगा। लेकिन इसी चीज़ को और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सैमसंग ने नोट 3 का एक और वर्जन लॉन्च किया था, गैलेक्सी नोट 3 नियो, जिसमें नोट 3 के सारे फीचर्स मिलते हैं वो भी कम प्राइस में। और दोस्तों हमें मौका मिला है नोट 3 नियो का ही रिव्यू करने का, तो चलिए देखते हैं कैसा है नोट 3 का सस्ता वर्जन नोट 3 नियो। सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 नियो है नोट 3 का डाउनग्रेडेड वर्जन, जो लुक वाइज एकदम सेम है नोट 3 के। जी हाँ, नोट 3 नियो में आपको नोट 3 वाली स्लिम लुक्स ही मिलेंगी, जिसकी बैक में आपको मिलेगा फॉक्स लेदर जो नोट 3 में भी है। यानी कि नोट 3 नियो है डिट्टो कॉपी गैलेक्सी नोट 3 का। बस जो फर्क है वो है उसके साइज का, क्योंकि नोट 3 है उससे है थोड़ा सा बड़ा। बाकी सैमसंग के फोन की लुक्स यहाँ भी हमें थोड़ा बोर करती है। नोट 3 में है 5.7 इंच डिस्प्ले, वहीं नोट 3 नियो में है 5.5 इंच डिस्प्ले। और डिस्प्ले में ही सबसे बड़ा फर्क है, क्योंकि नोट 3 में है 5.7 इंच डिस्प्ले जो देती है फुल HD रेजोल्यूशन। और नोट 3 नियो की अगर हम बात करें तो इसमें है 5.5 इंच सुपर AMOLED डिस्प्ले जो देती है सिर्फ HD रेजोल्यूशन। लेकिन इससे थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है, क्योंकि कंटेंट इस पर भी काफी क्रिस्प एंड क्लियर दिखता है, वहीं धूप में भी आपको इस पर कंटेंट दिख ही जाता है। ओवरऑल इस डिस्प्ले का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। अब बात करते हैं नोट 3 नियो के प्रोसेसर की। इंडिया में सैमसंग ने लॉन्च किया था नोट 3 का ऑक्टाकोर वर्जन, और जो बेहद बड़ा डिफरेंस नोट 3 और नोट 3 नियो में है वो प्रोसेसर का है, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा हेक्साकोर प्रोसेसर यानी कि 6 प्रोसेसर, जिसमें एक है 1.7 GHz डुअल कोर A15 प्रोसेसर और दूसरा है 1.3 GHz क्वाड कोर A7 प्रोसेसर। बेंचमार्क टेस्ट में नोट 3 नियो ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है और गेम्स और एप्लीकेशंस भी इस प्रोसेसर की वजह से बहुत स्मूथ चलती हैं। स्मार्टफोन में मेमोरी का बहुत बड़ा रोल होता है। नोट 3 की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी 3GB रैम, लेकिन अपने छोटे वर्जन नोट 3 नियो में सैमसंग ने दी है 2GB रैम, जो काफी सपोर्ट करती है एप्लीकेशंस को दौड़ने में और मल्टीटास्किंग में। वहीं इसकी 16GB की इंटरनल मेमोरी, जिसमें से सिर्फ 11GB अवेलेबल है, उसे आप अपग्रेड कर सकते हैं अप टू 64GB। हार्डवेयर के बाद अब बारी है सॉफ्टवेयर की। नोट 3 नियो में आपको मिलेगा एंड्रॉइड 4.3 जेली बीन सैमसंग यूजर इंटरफेस के साथ, और जो चीज हमें सबसे अच्छी लगी वो है इसके एस पेन की फंक्शनैलिटी, जो एकदम वैसी है जैसी हमें नोट 3 में मिलती है। नोट 3 नियो का एस पेन काफी रिस्पॉन्सिव है, और सॉफ्टवेयर वाइज नोट 3 के सारे फीचर्स आपको मिलेंगे नोट 3 नियो में। नोट 3 नियो के कैमरा की अगर बात करें तो वो थोड़ा कम पावरफुल है, क्योंकि नोट 3 नियो में सैमसंग ने दिया है 8MP कैमरा, जो निराश करता है। हालांकि वो सारे फीचर्स जो नोट 3 में हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन कैमरा आउटपुट में वो बात नहीं जो नोट 3 के कैमरा में है, यानी कि फोटोग्राफ्स के कलर्स थोड़े से कम अच्छे आते हैं। इसके फ्रंट में आपको मिलेगा 2MP कैमरा, जो सेटिस्फैक्ट्री आउटपुट देता है। टैबलेट्स को बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा अच्छा चाहिए होता है, क्योंकि उनकी डिस्प्ले बेहद बड़ी होती है। और नोट 3 नियो की 3100mAh बैटरी देती है गजब का बैटरी बैकअप। हमने इस पर दिन भर मूवीज देखी, गेम्स खेले और भी न जाने क्या क्या किया, लेकिन फिर भी इस फोन ने हमारा साथ पूरे दिन तक दिया। नोट 3 नियो के प्लस पॉइंट्स हैं इसकी डिस्प्ले, जो काफी अच्छे कलर्स देती है, इसका सॉफ्टवेयर और एस पेन की फंक्शनैलिटी, वहीं इसका बैटरी बैकअप मारता है बाजी। जो चीजें इसे लेट डाउन करती हैं वो है इसका कैमरा और इसका डिजाइन, जो हमें इतना खास नहीं लगा। वेल ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपको नोट 3 जैसा फैबलेट लेने का बहुत मन है, लेकिन बजट में कहीं आप मार खा रहे हैं, तो नोट 3 नियो बनता है एकदम सही चॉइस, जो देगा आपको नोट 3 के सारे एक्सपीरियंस।
और इस फोन के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे तकरीबन 36,500 रुपए। लेकिन खर्च करने से पहले इस प्राइस रेंज में और भी स्मार्टफोन देख लीजिए जो इससे भी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर के साथ हैं, जैसे कि LG G2, Nexus 5 और भी न जाने कौन कौन से स्मार्टफोन्स इस प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा लेने का, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि अब से हम नोकिया मोबाइल फोन्स नहीं देख पाएंगे क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीद लिया है और अब हमें नोकिया फोन्स नहीं दिखेंगे। खैर अगली बार मिलेंगे और भी बहुत सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।